Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and enjoying my videos. Thank you so much for your love and support. Today I'm baking my daughter's first birthday cake. Mashallah, Musfira has turned 1 year old this year on the 15th of September. ये video edit करते मुझे थोड़ा सा time लग गया क्योंकि Musfira भी थोड़ा सा busy रखती है और इस दफ़ा मैंने सोचा था दैट आई विल मेक अ वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग. तो लेट्स डिस्कस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मैंने यहाँ पे 4 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर को सिफ्ट कर लिया विद 4 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर, 3 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 कप ऑफ कोको पाउडर. ड्राई इंग्रीडियंट्स को सिफ्ट कर लेना अच्छा होता है आपके केक के लिए, क्योंकि हम यूजुअली ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ करते हैं. केक फ्लावर रिकमेंडेड होता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऑल पर्पज़ फ्लावर से भी बहुत अच्छे केक्स बन जाते हैं एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप केक फ्लावर लेके आएँ. बस उसको सिफ्ट कर लिया करें पहले, तो उससे आपके ड्राई इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छे इनकॉर्पोरेट भी हो जाते हैं और ग्लूटेन भी स्ट्रेंथन होता है. फोर कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर यहाँ पे मैंने यूज़ किया था क्योंकि मैंने रेसिपी को डबल अप कर दिया था. यूजुअली मैं 2 कप्स ऑफ फ्लावर यूज़ करके, मतलब हाफ ऑफ द रेसिपी यूज़ करती हूँ और इससे बहुत मज़े का चॉकलेट केक बनता है. ऑनेस्टली दिस इज़ द बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी. और मैं कप केक्स भी इसी से बनाती हूँ. 12 कप केक्स के लिए मैं 1/4 ऑफ दिस रेसिपी यूज़ करती हूँ, मतलब जस्ट 1 कप ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर. यहाँ पे मैंने 170 डिग्री सेल्सियस पे केक को बेक किया था. प्री हीट कर लिया था मैंने ओवन को और मीडियम रैक पर रखा था अपना केक इन दी ओवन. मैं गैस ओवन यूज़ करती हूँ, आप ये चूल्हे पे भी बना सकते हैं और आप इसको इलेक्ट्रिक ओवन में भी बना सकते हैं. अबाउट 35 मिनट्स लगते हैं और ये केक मेरे गैस ओवन में रेडी हो जाता है. यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 9 इंच राउंड पैन था, तो मुझे इन 2 बैचेस अपने केक को बेक करना पड़ा. जबकि इट्स रिकमेंडेड कि आपका बैटर एक दफ़ा जब रेडी हो जाए तो आप अगर 2 लेयर्स बना रहे हैं, जितनी भी लेयर्स बना रहे हैं, आप इकट्ठे उसको ओवन में बेक करें. लेकिन क्योंकि मेरे पास पैन एक था तो आई हैड टू डू दिस. मुझे अपना केक 2 बैचेस में बेक करना पड़ा और मेरे बैटर को थोड़ी देर काउंटर टॉप पे रेस्ट करना पड़ा, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि उससे थोड़े सा बैटर में फ़र्क आता है. लेकिन आई हैड टू डू दिस अनफॉर्चुनेटली. लेकिन फिर भी द केक वॉज क्वाइट गुड, मुझे कोई ख़ास डिफरेंस ऐसा फील नहीं हुआ. हाँ, थोड़ी सी अपीयरेंस में फ़र्क आ गया था, बबल्स से बन गए थे उसके टॉप पे. लेकिन इसके अलावा केक बिल्कुल सॉफ्ट था और मॉइस्ट था और लाइक आई सेड अर्लियर, ये बहुत अच्छी चॉकलेट केक की रेसिपी है. मतलब आई हाईली रिकमेंड दिस, चाहे आप कप केक्स बना रहे हैं या आप केक्स बेक कर रहे हैं फ्रॉस्टिंग वाले, या इट्स जस्ट टॉपिंग इट अप विद सम चॉकलेट गनाश. जिस भी तरह से आप इसको यूज़ करना चाहें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. यहाँ पे मैंने 4 कप्स ऑफ चिल्ड व्हिपिंग क्रीम यूज़ की थी. मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से ठंडा भी किया था और मैंने अपने बाउल को भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था. यूजुअली लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी व्हिपिंग क्रीम सही से स्टिफ़ नहीं होती कि उसको शेप दी जा सके. तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने कमरे का टेम्परेचर भी ठंडा रखें. अगर आपके किचन में एसी नहीं है तो आप किसी ऐसे रूम में चले जाएं जहाँ पे एसी है. आप अपनी क्रीम बहुत चिल्ड यूज़ करें. आप अपना बाउल को भी फ्रिज या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दें तो आपकी पीक्स बहुत अच्छी स्टिफ़ हो जाएंगी. यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ कि अपने केक को आई सोक इट इन सम स्वीट मिल्क, जिसमें मैंने 1 कप ऑफ मिल्क में 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड की थी और 1 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर ऐड किया था, विच इज़ ऑप्शनल, यू कैन स्किप दिस. अगर आप चाहें तो आप शुगर सिरप में भी इसको सोक कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप इसको मिल्क में सोक करें या आप अपने इसके केक को शुगर सिरप में सोक करें. लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक तो बाकी केक की शुगर मैंने कम रखी हुई है
और दूसरा ये कि इससे आपका केक बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाता है। अच्छा, एक तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर, तो यू कैन सी मी स्ट्रगलिंग अ बिट कि मैं इसको पूरे केक को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर। तो आपने घबराना नहीं है, टेक योर टाइम एंड बी वेरी जेंटल। आप अपनी क्रीम को उस पर केक पे स्प्रेड करें, कवर अप करें नाइसली, एक्सेस को रिमूव करते जाएं और जितना कोट आप कर सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि ये पहला क्रम कोट होता है। इसके बाद थोड़ी देर केक को फ्रिज में रेफ्रिजरेट करें, लाइक मैंने अबाउट 4 आवर्स के लिए उस केक को रेफ्रिजरेट किया था, और उसके बाद मैंने फिर से उसको फाइनल कोट दिया था। तो यहाँ पे यू कैन सी कि मैं सिर्फ क्रम कोट कर रही हूँ। और फिर मैंने अपने केक को थोड़ी देर चिल किया, क्रीम थोड़ी सी सेट हो गई थी और थोड़ी मैनेजेबल भी हो गई थी। अब मैं इसको थोड़े एजेस वगैरह बनाऊंगी, थोड़ा नीट लुक देने की जितनी आप कोशिश कर सकते हैं कर लें, लेकिन ऑनेस्टली टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर लाइक मी। तो थोड़ा आराम आराम से, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लगे रहें, जस्ट डोंट गिव अप, और आपका केक ठीक बन जाएगा। अगर आपके पास ये केक टूल्स मौजूद नहीं हैं तो आप अपनी बटर नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी टेबल स्पून यूज़ करते हुए अपने केक को कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं टू बेक केक्स, तो फिर आप इन्वेस्ट कर लें इन केक टूल्स में। ये बहुत इनएक्सपेंसिव से किसी भी अच्छी बेकिंग शॉप से या फिर इवन जनरल स्टोर्स पे ये 2-3 टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि बर्थडे केक की थीम में थोड़ी ब्लैक एंड गोल्ड रखना चाहती थी, तो मैंने अपनी चॉकलेट गनाश को ब्लैक जेल कलर से थोड़ा सा डार्क कर लिया, और फिर मैंने इसको पाइपिंग बैग में डायरेक्टली स्ट्रेनर के थ्रू पोर कर लिया, ताकि क्रीम थोड़ी और स्मूथ हो जाए, उसमें अगर कोई लम्स रह गए हैं वो ना रहें। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, आप कोई भी प्लास्टिक का बैग, अगर कोई सैंडविच बैग या इस तरह का कोई भी बैग आपके पास मौजूद है, जो फ्रीज़र जिप लॉक बैग्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी एक कॉर्नर को आप सीजर से कट कर लें और ये जो चॉकलेट ड्रिप्स होती हैं वो बना लें। पाइपिंग बैग से थोड़ी सी आसानी रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंपल स्पून से ऊपर पोर अप कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग शॉप से गोल्ड डस्ट ख़रीद ली थी, एडिबल गोल्ड डस्ट मिलती है, डिफरेंट कलर से मिलती है, मैंने गोल्डन ली थी, और उसे मैंने 1 teaspoon ऑफ रोज़ वाटर ऐड करके उसका एक पेंट लाइक टेक्सचर बना लिया था, और मैंने अपनी चॉकलेट्स को और केक की जो टॉप था उसको उससे डेकोरेट कर लिया था। I'm adding some chocolates to the top. And coating it with this edible chocolate, edible gold paint. जैसे बचपन में हम पेंट ब्रश यूज़ करते हुए थोड़े ये स्प्लैशेस से बनाते थे, इसी तरीके से मैंने इस पेंट को थोड़ा स्प्लैटर कर दिया ऑन द केक टॉप, और इससे मज़े की लुक आ गई थी। केक की साइड पे मैंने ये जो शुगर बॉल्स मिलते हैं वो मैंने गोल्डन कलर में लेके थोड़े उसमें फिट कर लिए थे, बड़े आसानी से व्हिप्ड क्रीम में वो स्टिक हो गए,
और एक गोल्डन कैंडल मैंने ले ली थी, कैंडल्स यूजुअली गिर जाती हैं तो केक ख़राब हो जाता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसमें एक एट द बॉटम आप उसमें एक टूथपिक इंसर्ट कर लें ताकि वो गिरे ना। बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं केक टॉपर ख़ुद ही घर में बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा गोल्डन केक टॉपर मिल नहीं रहा था, सो आई डिसाइडेड कि मैं ख़ुद ही केक टॉपर भी बना लेती हूँ। और यही मैंने दो स्ट्रॉज की हेल्प से मैंने अपना केक टॉपर बनाया था। मैंने ये बैनर लुक दी थी उसको, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड भी नहीं बल्कि दिस इज़ जस्ट कलर्ड पेपर जो यूज़ करते हुए मैंने अपना बैनर लुक का केक टॉपर बनाया था। अगर आप चाहते हैं तो आप जिसके लिए केक बना रहे हैं उसका आप नाम भी इस बैनर पे हैंग कर सकते हैं। उस फिरा का माशाल्लाह से लंबा नाम है, तो मैंने सिर्फ HBD ही बैनर पे पेस्ट किया था। और स्ट्रिंग की मदद से मैंने इसको दो स्ट्रॉस के बीच में हैंग कर लिया था। स्ट्रॉ को मैंने रिबन से कवर कर लिया था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी स्टेप्स थे केक बनाने में, थोड़ा सा टाइम लग गया। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक कि मैं वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग्स करती रहूँ फॉर माई फ्यूचर वीडियोज टू। केक इज़ रेडी। टॉप पे मैंने मुस्फिरा का नाम लिख लिया था यूजिंग प्योर मेल्टेड चॉकलेट, तो क्योंकि मेल्टेड चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे या चिल होने के बाद हार्ड हो जाती है, तो ये बहुत अच्छे से हार्ड हो गई थी। और मैंने फिर उसको गोल्डन वही जो मैंने पेंट यूज़ किया पहले उससे कवर अप कर लिया था। Thank you so much for watching, guys. I hope you liked the video. Thank you so much again for your love and support. अगर आपका कोई फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियोज तो दैट इज़ ऑल्सो हाईली वेलकम। एंड कीप वॉचिंग। I'm really thankful to you guys for your love and support. ये हैं जी मुस्फिरा मैडम जिन्होंने अपने बर्थडे पे काफ़ी रोना डाला था। केक की इनसाइड शॉट लेना मैं भूल गई थी, तो यही एक दो पिक्चर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।